अखबार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ। नमस्कार, आप देख रहे हैं firstbite.tv। ऑनलाइन के नाम पर कुछ स्कूलों ने पढ़ाई को मजाक बना दिया है। ऑनलाइन क्लासेस के बाद अब ऑनलाइन एग्जाम भी आ गए। बच्चों को ऑनलाइन पेपर प्रोवाइड करा दिए जा रहे हैं। बच्चों को उनका जवाब ऑनलाइन ही देना है। जाहिर है कि बच्चों के साथ पेरेंट्स का भी काम और बढ़ गया है। बच्चा ऑनलाइन जवाब दे अथवा ना दे, पेरेंट्स को तो देना ही है। आखिर सवाल बच्चे के उस भविष्य का जो ठहरा, जिसकी निश्चितता का खुद पता नहीं है। मैनेजमेंट का प्रेशर है कि जल्द से जल्द स्कूल खोल दिया जाए। सरकार इसकी तैयारी में भी जुट गई है, लेकिन पेरेंट्स बच्चों को स्कूल भेजने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब सरकार ही बच्चे व बुजुर्गों को बाहर न निकलने की हिदायत दे रही है, तो फिर बच्चों को स्कूल किस बिहाब पर बुलाया जा रहा है? क्या इससे कोरोना और नहीं फैलेगा? फीस के फेर में ऑनलाइन नोट्स भेजे जा रहे हैं, और यह दावा करते हुए कि पढ़ाई बराबर हुई है, पेरेंट्स पर फीस देने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। इसके अलावा लॉकडाउन से पूर्व जब बच्चे मोबाइल देखते थे तो पेरेंट्स बताते थे कि आंखें खराब हो जाएंगी, जबकि अब बच्चों को मोबाइल देना माँ बाप की मजबूरी हो गया। बच्चा कुछ देर पढ़े और फिर गेम खेले, या फिर गेम खेलने से उसे कैसे रोका जाए? इस सवाल का जवाब फिलहाल पेरेंट्स के पास नहीं है। मोबाइल यूज़ करने की मजबूरी, या यूं कहें अधिकता, क्या बच्चों की आई साइट पर साइड इफेक्ट डालेगी अथवा नहीं, इसे लेकर आज फर्स्ट बाइट संवाददाता पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाने माने आई स्पेशलिस्ट कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन डॉक्टर गौरव मिश्रा से बात की। आइए पहले सुनते हैं क्या बता रहे हैं डॉक्टर गौरव। डॉक्टर सर, इस समय छोटे स्कूलों से यानी कि प्राइमरी स्कूलों से लेकर के बड़े एजुकेशन हब तक ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर दिया जा रहा है। ऐसे में बच्चों पर इस ऑनलाइन का उनकी विशेष रूप से आंखों पर क्या असर पड़ रहा है, या पड़ता है या नहीं पड़ता है? देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आजकल ऑनलाइन क्लासेस चालू हो गई हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो तो आंखों पर डेफिनेटली पड़ता है, क्योंकि जो हमारी आंखों में लाइट जाती है वो एक हद तक बर्दाश्त कर सकती है, उसके ऊपर अगर लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है तो हमारे रेटना में डैमेजेस होने की दिक्कत होती है। जैसे कि हमारी आंख अगर 40 वॉट के बल्ब को देख सकती है और उसके सामने अगर आप 60 वॉट या 100 वॉट का बल्ब जला दो तो दिक्कत होती है, उसी तरीके से मॉनिटर होता है। मॉनिटर में चाहे हम ब्राइटनेस या कॉन्ट्रास्ट कितने कम कर दें, लेकिन फिर भी उसमें से ऐसे रेडिएशंस निकलते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाते हैं आपको। तो दो तीन चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं, पहली चीज, जितना जरूरी हो उतना ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करें, अननेसेसरी चीजों पे ध्यान ना दें। जैसे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस तो अटेंड करते हैं, उसके बाद गेम खेलने लगते हैं, उसके बाद टीवी देखने लगते हैं, तो ये चीजें अवॉइड करनी चाहिए। पेरेंट्स का बराबर यह भी कहना है कि वह फिलहाल बच्चों को स्कूल भेजने के पक्ष में नहीं है। मेरठ के केएल इंटरनेशनल स्कूल के पेरेंट्स के ग्रुप में भी यह मांग बराबर उठ रही है। जिला प्रशासन पर भी फीस न लेने व फिलहाल स्कूल शुरू न करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। प्राय रोजाना ही इसे लेकर ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। बता दें कि जब तक कोरोना के जीरो केस न हो जाएं, तब तक स्कूल न खोलने की मांग करते हुए पेरेंट्स ने एक हस्ताक्षर अभियान भी चला रखा है। इसमें समाचार लिखे जाने तक 6,26,000 से ज़्यादा पेरेंट्स अपने सिग्नेचर कर चुके हैं। इनमें पेरेंट्स की तमाम दलीलें हैं कि वे फिलहाल अपने मासूमों को स्कूल भेजने के लिए कतई तैयार नहीं है, चाहे जो भी हो जाए। इस खबर में आज इतना ही। आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार।